अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बरसात के बाद चटक धूप पुराने जर्जर मकानों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होते। सोमवार की सुबह मेरठ के इस्लाम नगर में एक पुराना मकान भरभराते हुए जमींदोज हो गया। इससे वहां के 3 बाशिंदे चोट लगने से घायल भी हो गए। यह मकान करीब 200 साल पुराना बताया जा रहा है। मकान में रह रहे मोहम्मद मुर्तजा ने फर्स्ट बाइट टीम को यह जानकारी दी। ये मकान पुरानी इमारत ही है, 200 साल पुरानी कम से कम जो है। इसमें 3 हिस्से हैं। अच्छा। और ऊपर का पोर्शन हमारे पास है जिसकी छतें बते सारे मकान गिरा हुए हैं, लेकिन हिस्सेदार कोई तैयार नहीं है 3 हिस्से कराने के लिए। अब आपस में बैठ के कह रहे हैं कि करा लो अब, लेकिन अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। बस लड़का सो रहा था और मेरी बीवी उसमें बाल पानी भर रही थी घर पर, मैं चाय पी रहा था, एकदम मतलब सारी छत पर एकदम बैठ गई, उसके साथ साथ नीचे आ गई, तीनों के तीनों नीचे मलबा हमारे ऊपर। किस किस के चोट लगी है? मेरे लगी है, मेरी बीवी के लगी है, बच्चे के लगी, बड़े लड़के के लगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।